Assalamu alaikum viewers, once again Ms. Khan here to share my knowledge and experience with you. आज की छोटी सी बात कि आपका किसी को इनक्रेज करना या किसी को हौसला देना या किसी के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना किसी की ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली ला सकता है या किस कदर असरअंदाज होता है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका एक लफ्ज, एक बोला हुआ जुमला किसी की ज़िंदगी को ज़मीन से आसमान तक और आसमान से ज़मीन तक पहुंचाने में बहुत अहम होता है। तो खुदारा अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए सोच के करें। किसी के लिए भी कोई लफ्ज़, कोई खिताब, कुछ भी यूज़ करते हुए, किसी को मुखातिब करते हुए कोई ऐसे लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें जो उसकी ज़ात के, उसके किरदार को या उसके जो माइंड सेट को तबाह कर दे। ये ना सोचें कि वो आपको रिटर्न में लफ्ज़ वो बोलता है कि नहीं। बात सिर्फ ये है कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उससे उसको किस कदर तकलीफ़ हुई और वो कितना अरसा उस तकलीफ़ से गुजरेगा। आज जब जब वो जुमला, वो लफ्ज़ उसके जहन में रिपीट होगा, वो उसको उस तकलीफ़ में गुजारेगा। लिहाजा प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर करें। आप अपने जिन नामों से पुकारते हैं किसी को, वो एक अच्छे लफ्ज़ों से, अच्छे नामों से पुकारें। किसी को ऐसे नाम ना दें जो उसकी ज़ात का हिस्सा ही ना हो। स्टे ट्यून्ड विद मी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।